पहले से विवादों में फंसी द केरल स्टोरी मूवी पर पश्चिम बंगाल में बैन लगा दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह फैसला राज्य में शांति बनाए रखने के लिए लिया। सीएम ममता ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि राज्य के थिएटरों से फिल्म को हटाया जाए। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि द कश्मीर फाइल्स क्या है, ये एक वर्ग को अपमानित करना है। वैसे ही द केरल स्टोरी क्या है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है। इस दौरान सीएम ममता ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मनगढ़ंत और गलत कहानी वाली बंगाल फाइल्स बनाने के लिए फिल्मकारों को पैसे दे रही है। सीएम ममता ने कहा कि कुछ दिनों पहले बीजेपी के भेजे एक्टर्स बंगाल आए थे और वो मनगढ़ंत और गलत कहानी वाली फिल्म बंगाल फाइल्स की तैयारी कर रहे हैं। What is this Kerala files? Though I don't support the CPM people, instead of me, it was their duty to criticize it. But they walk together. I'm sorry. I will request the state government chief minister. Very sad that your party is working with BJP. And that BJP is showing the Kerala files a distorted stories. Even since few days ago, since now, the party nominated some stars nominated by BJP, funded by BJP. They came to Bengal also, and along with some distorted stories, the concocted stories, in a films, Bengal files. वही मूवी के प्रोड्यूसर ने बंगाल में फिल्म बैन की खबर पर कहा कि अगर राज्य नहीं सुनेंगे तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। उधर पश्चिम बंगाल में फिल्म को बैन किए जाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का चेहरा बेनकाब हो रहा है, वे तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये तुष्टिकरण की राजनीति ममता जी कब तक आपकी चलेगी? मेरा सवाल विपक्षी दलों से ये है, चाहे वो कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, तृणमूल कांग्रेस हो, क्या बेटियों को जाल में फंसाकर जिस काम पे लगाया जाता है वैश्विक आतंकी संगठनों का हिस्सा बनाने के लिए या ISIS का हिस्सा बनाने के लिए, क्या आप उसके खिलाफ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? एक महिला होने के नाते क्या भविष्य में किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, वहां पर ममता जी क्या इस तरफ खड़ी होंगी कि नहीं होंगी? इन सबसे मेरा सवाल एक है कि देश इनसे सवाल पूछता है कि बेटियां ऐसे जाल में ना फंसें, ISIS का या आतंकी संगठनों का हिस्सा ना बने, तो क्या आप उनके साथ हैं या आप केरल स्टोरी को केवल इसलिए प्रतिबंध लगाना चाहती हैं कि आपको तुष्टिकरण की राजनीति करनी है? देश आपसे एक सवाल ये पूछता है कि आप देश की सुरक्षा के लिए साथ में हैं कि नहीं हैं, क्योंकि ये आतंकवादी संगठनों की गतिविधियां देश के खिलाफ ही होती हैं। बता दें कि कई राज्य और राजनीतिक दल, यहाँ तक कि खुद केरल के CM पिनराई विजयन फिल्म पर आपत्ति जता चुके हैं। तमिलनाडु में बढ़ता विरोध देखते हुए मल्टीप्लेक्स मालिकों ने राज्य में फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने का फैसला किया है। वहीं मूवी की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट भी इनकार कर चुका है। गौरतलब है कि मूवी में केरल की उन लड़कियों की कहानी है जिन्हें धर्म बदलने और ISIS ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया जाता है।